हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। एंड यहाँ पर एक मैच हो रहा है जापानीज लीग का, ऐसे भी वर्सेस गांबा ओसाका के बीच। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कोई मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, देन एससीपी एंड गांबा ओसाका के अंदर जो मैच हो रहा है, इस मैच के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो जैपनीज़ लीग की ये शुरुआत नहीं है। ऑलरेडी ये दोनों टीम सीज़न के अंदर अराउंड 30 गोल्स आराम से कर चुकी हैं, जिसके बाद ये मैच हो रहा है। और गांबा ओसाका और इन दोनों के बीच जो लास्ट मैच हुआ था वो हुआ था ड्रॉ, ठीक है, जिस कारण आज दोनों टीम्स पे इतना खास प्रेशर नहीं होने वाला। दोनों टीम्स देखेंगी कि हम थोड़े मार्जिन में गोल करके जीत जाएँ और सामने वाली टीम के गोल रोकने की कोशिश यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ गोल करने की कोशिश नहीं होगी। आप देखना इस मैच में, एक तो ये लो स्कोरिंग मैच है, ज़्यादा गोल होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि इधर गोल रोकने की बहुत ट्राई होगी, तो गोलकीपर और डिफेंडर्स का बहुत काम है। सो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ले चलते हैं स्ट्राइकिंग पे। और स्ट्राइकिंग के अंदर मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि ओगाशिवा कहने को बहुत अच्छा है, एससीपी का मेन प्लेयर है, ठीक है, और बीच में इंजर्ड भी था। अब मुझे नहीं पता कि आज खेलेगा कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट अभी कुछ नहीं आई। जब मैं लाइनअप्स भी चेक कर रहा था, सॉरी, जब मैं स्क्वाड चेक कर रहा था तो उसमें उसका नाम था, बट इंजरी के बारे में कुछ जिक्र नहीं था। हो सकता है इंजर्ड हो, ठीक है, तो अभी मैं ले रहा हूँ, बट इंजर्ड होगा तो निकाल दूंगा। और जेबली की बात करें, जब से जेबाली ऐड हुआ है, कमाल कर रहा है इस बंदे में। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, गांबा ओसाका टीम के अंदर बहुत क्षमता है कि वो किसी भी टीम से भिड़े, ठीक है। और गांबा ओसाका को मैं एक बहुत बड़ी टीम मानता था भी और हूँ भी, इसलिए मैं जेबाली को यहाँ पर लूँगा, क्योंकि जेबाली ने बहुत हद तक गेम हैंडल की है। उसके बाद उसामी तो इनका काफ़ी ओल्ड प्लेयर है, ओल्ड मीन्स एज में नहीं, गेम में, एक्सपीरियंस में, ठीक है, तो मैं उसामी को यहाँ पर मैं लूँगा। आगे मैं बात करूँ मैं मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर देखिए जे अलेनो इनका बहुत खूब अच्छा प्लेयर है। एक सेकंड थिंग ये है, अगर मैं आज ग्रैंड लीग खेल रहा होता तो भी मैं अलेनो को लेता, और स्मॉल लीग में तो ज़रूर लूँगा, क्योंकि इसका ड्रीम टीम में नाम बहुत बार आता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत मेन प्लेयर है, बहुत मेन, मतलब इसके बिना गेम जीतनी मुश्किल है। उसके बाद डी ओलिवेरा इनका सबसे एक्सपीरियंस मिडफील्डर है, एज अ मतलब कंपेयर करूँ बाकियों से तो बहुत अच्छा खेल रहा है। उसके बाद वाई कुमाई, इसका इंजरी में हर बार ही नाम होता है और खेलता है हर बार है, हर बार मेरे को जैपनीज लीग की इंजरी रिपोर्ट में गलती लगती है इनकी। जब जब एससीपी का मैच होता है ये लोग बोलते हैं ये इंजर्ड है, बट ये खेलता हर बार है, तो मैं इसको अभी लूँगा। उसके बाद इनका और प्लेयर है, इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, आई थिंक अरेनो है। तो देखिए, अरेनो को अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग लेंगे एल फर्नांडिस को, एल फर्नांडिस इज़ बेटर, बट मैं रिस्क लूँगा अरेनो पे, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, जबकि एल फर्नांडिस इससे अच्छा है। मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ कि एल फर्नांडिस उससे अच्छा है, बट मैं रिस्क लूँगा। एंड बात करें डिफेंडिंग सेक्शन से, तो आर हांडा, ठीक है, आर हांडा के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेयर है वो है वाइसेटो, अगर खेलता, सॉरी वाइसेटो तो इंजर्ड है, वाइसेटो तो खेल ही नहीं रहा, नहीं, म्यूरा को लेना है जो उसकी जगह आएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड डिफेंडर होगा वो होगा किस्यूक, ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्लेयर डन। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है सेग्यूना, सुगैना अगर खेलता है तो अच्छी बात है, बट इनका मेरे को समझ ही नहीं आ रही, हर प्लेयर को भेज दिया इन्होंने, तो कभी खिलाते हैं ये लोग शुन को, कभी ये लोग खिलाते हैं ओतानी को, फिर कभी खिलाते हैं सुगैनो को, अब पता नहीं किसको भेजेंगे, अभी आप किसी को भी ले लीजिए। बात करें कप्तान की, जो मेरा कप्तान है वो है जेबेली, एंड वाइस कप्तान है डी ओलिवेरा। सो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।